अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैंने अपनी बहन नव्या की खुशी के लिए किया था। मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाया था लेकिन तुम मानी नहीं। शुभ जायसवाल नहीं आरता शगुन, मुझे आदर नहीं है। हैरान क्या हो रही हो? मैंने मेरी बहन की शादी तुम्हारे भाई से करवाई और तुम्हारे भाई को अपने घर ले आया और उसे अपना घर जमाई बना लिया, जो कब इस चौल में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरी बहन यहाँ नहीं रह सकती। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हारे? एनीवेज, नव्या योग से प्यार करती है और योग हमारे यहाँ बहुत खुश रहेगा, इस बात की गारंटी ले सकता हूँ मैं। लेकिन आज मैं यहाँ उन दोनों के बारे में नहीं, हमारे बारे में बात करने आया था। जो भी हुआ वो प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन तुम्हारे बप्पा ने सारा काम खराब कर दिया। अब जो गलती हुई है उसे ठीक तो मैं ही करूँगा ना। तुम मुझसे बे इंतहा नफरत करती हो, और मैं भी, और इस बात के लिए तो हम दोनों एग्री करते हैं, है ना? तो इस किस्से को यहीं खत्म करते हैं। तुम जिस तरह आज मुझसे हारी हो, आगे भी मुझसे हारती रहोगी। अगर तुमने पहले मेरी बात मान ली होती तो मैं इतना कोई ड्रामा करता ही नहीं। एनीवेज, मेरे काम आने के लिए थैंक यू। और हाँ, वही घिसी पिटी चौल वाली गरीबों वाली कहानी ना सुनाने के लिए भी थैंक यू। रिश्तों की आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है ना, जानते हैं। आप जो भी करते हैं अपने जिद और मतलब के लिए करते हैं। उसूल तो आपने कभी जिंदगी में बनाए नहीं होंगे। आपने एक लड़की से धोखे से शादी की है, उसके होने वाले ससुराल वालों को टॉर्चर किया, मारा, धमकाया, अरे हमारी छोड़िए, आपने तो अपनी बहन के धोखे से शादी करवाई अपनी जिद की वजह से, एक भाई को अपनी बहन से दूर करवाया, एक बेटे को उसके परिवार से दूर करवाया। लेकिन आपको इन सब से क्या फर्क पड़ता है? रिश्ते तो आपके लिए एक खिलौने हैं ना। आप होंगे अमीर इस दुनिया के लिए, पर मेरे लिए आपसे बड़ा गरीब इंसान इस दुनिया में नहीं है। क्या है आपके पास? मेरे पास उसूल है, आदर्श है, परिवार है, और आपके पास पैसा। कब तक खुश रहेंगे इन पैसों के साथ? बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपका अकेलापन ही आपको ले डूबेगा। थोड़ा और ज्ञान सुनेंगे? तो लीजिए, शादी का रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो किसी मंगलसूत्र का मोहताज नहीं होता। ये ऐसा पवित्र रिश्ता है जो दिलों को जोड़ता है और विश्वास पर टिकता है। लेकिन आप ये सब कैसे समझेंगे? अगर समझते
तो अपनी ही बहन की शादी ऐसे धोखे से नहीं करवाते। मैं फिर भी बप्पा से प्रार्थना करती हूँ, बेशक नव्या और युग की शादी धोखे से हुई हो, पर उनकी जिंदगी में प्यार, विश्वास और सम्मान ये हमेशा बना रहे। मैंने जो भी किया है मुझे उसका कोई पछतावा नहीं। तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो। नव्या की खुशी के लिए मैं तुम्हारे जैसी हजारों लाखों शगुन और उनकी खुशियां कुर्बान कर सकता हूँ। तो अपना ज्ञान अपने पास रखो। आपने अब तक जो भी किया अपनी बहन के लिए किया, और अब मैं जो भी करूंगी अपने भाई के लिए करूंगी। और फिर मत कहना शिव जायसवाल कि मैंने आपको वॉर्न नहीं किया। ताई फोन उठा। युग बीबी, क्या दूध का ग्लास लेकर नहीं आऊंगी तो मूड में नहीं आऊंगी। तुम्हें पता है मैं आज बहुत खुश हूं। जो मुझे चाहिए था तुम, वो मुझे मिल गया है। अपना जिंदगी में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। अच्छी बात। तुम ये कहोगे मुझे? नव्या, जब तक मेरी ताई की लाइफ सेटल नहीं हो जाती और सर के साथ यहाँ नहीं आ जाती, तब तक मैं ऐसे ही परेशान रहूंगा। तुमसे कहा है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे, वो शगुन को समझा लेंगे। लोग तुम बस उन पर भरोसा रखो। नव्या, तुम समझ नहीं रही हो। जैसे तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए परेशान थे ना, वैसे ही मैं अपनी ताई के लिए हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं समझाती हूँ ना, बस आज ना बहुत इंपॉर्टेंट डे है तो हम इसे मिस नहीं करते हैं ना योग। मैं शुभ सर से बात करके आता हूँ। चलो ये पीलो, बेहतर महसूस करोगी। दिमाग ठंडा हुआ? क्या तुम पूरा दिन गरमाते रहती हो? आप तो रहने ही दो भाई साहब। कहां पहले आप नव्या और शुभ को रास्ते से हटाने वाले थे, लेकिन अब दो नहीं चार चार रास्ते के काटे। वाह, जैसे कि मैंने कहा, वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। बड़ा भरोसा रखो। ओके, आएगी। क्या नायाब चला लेके घूम रहे हो? क्या है ये? गुड न्यूज। जो मुसीबत का फंदा मेरे गले में पड़ा था उसे उतार के आया हूं। अब मेरी और शगुन की शादी खत्म।
चुप सर। सर आपसे बात करनी थी ताई के बारे में। हाँ बोलो। ऑल ओके? ओके तो नहीं है सर, ये आप भी जानते हैं। आपने हमारे साथ इतना गलत किया, उसके बाद भी मैं इस घर में आया सर, सिर्फ अपनी ताई के लिए। और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और आगे करने के लिए भी तैयार हूँ। पॉइंट ये नहीं है सर, पॉइंट ये है कि आपने क्या किया। आप गए थे वहां, बात है उससे, मेरा फोन नहीं उठा रही वो। मैं मिला शगुन से, उसने थोड़ा वक्त मांगा मुझसे, मैंने उसे 24 घंटे का टाइम दिया है, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे सोचेंगे। तुम जाओ, नव्या तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। चल। एक बार ताई आ जाए। सर हमारा ये रिश्ता एक साथ शुरू हुआ है और एक साथ ही आगे बढ़ेगा। आज की शाम ये शानदार पार्टी आज जिसके लिए ऑर्गेनाइज की गई, प्लीज वेलकम यक एंड नव्या। हमने सुना है कल आपकी भी शादी हुई है।
तू आ गई। सरप्राइज। अरे आप सब तो कंफ्यूज हो गए। ओ, मेरा किसी ने इंट्रोडक्शन जो नहीं करवाया यहाँ पे। मेरा नाम है शगुन, शगुन शुभ जायसवाल। थोड़ी देर से ही आई पर सही समय पर आई हूँ। ढोल नगाड़ों में मजा आया कि नहीं आप लोगों को? अरे आप सब तो अभी भी कंफ्यूज लग रहे हैं। मैं आप सबके शुभ सर की वाइफ हूँ। इस घर की नई बहू। अपने घर से बड़ों का आशीर्वाद लेकर आई हूँ अपने इस नए घर में। स्वागत नहीं करेंगे मेरा? और शुभ सर, मेरा मंगलसूत्र आपके पास है, पहना देंगे प्लीज? गए काम से। बहुरिया को मंगलसूत्र पहनाओ। शो ये आंखें फाड़ फाड़ कर जो देख रहे हो तो कान खोलकर हमारा आदेश भी सुन लो। बहुरिया को मंगलसूत्र पहनाना ही होगा। आज से ये यहीं रहेगी। हमारी बहुरिया को हम उसके असली घर ले आए। क्या हुआ, कल मंगलसूत्र तो ले आए थे ना? तुम्हारे पास ही होगा। शुभ सर, पर आपने तो कल मुझे कुछ और बोला था, ये क्या है सर? मंगलसूत्र पहनाओ। दादी वो मंगलसूत्र तो कल। ये रहा मंगलसूत्र।